फ्री स्पीच चैंपियन गुरमेह हरकौर को टाइम मैगजीन ने बताया, नए जमाने की लीडर, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूं और मैं एबीवीपी से नहीं डरती। इस बयान को देकर चर्चा में आई गुरमेह हरकौर को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने नए जमाने की लीडर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की योद्धा बताया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम की छात्रा गुरमेह हरकौर जम्मू कश्मीर में शहीद एक सैनिक की बेटी हैं। गुरमेह हरकौर अपने दो वीडियो को लेकर काफी चर्चा में रही थी। पहले वीडियो में गुरमेह हरकौर ने दो देशों के बीच युद्ध को मानवतावादी नजरिए से देखा था और कहा था कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं युद्ध ने मारा है। दूसरे वीडियो में गुरमेह हरकौर दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में एबीवीपी के प्रदर्शनों पर अपनी राय दी थी और कहा था कि वे दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है और एबीवीपी से नहीं डरती हैं और वे अकेले नहीं हैं। गुरमेह हरकौर के इस वीडियो पर काफी विवाद हुआ था। गुरमेह हरकौर के पहले वीडियो पाकिस्तान ने नहीं युद्ध ने मेरे पिता को मारा को संदर्भ बनाकर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और अभिनेता रणदीप हुड्डा ने गुरमेह के खिलाफ टिप्पणियां की थी। टाइम मैगजीन ने गुरमेह हरकौर को स्टार वार एक्टर जॉन बॉयगा, यूट्यूब की जानी मानी नाम लिली सिंह और दक्षिण अफ्रीका के कॉमेडियन ट्रेवर नोवा की बराबरी पर रखा है। मैगजीन ने लिखा है कि एबीवीपी का विरोध करने पर गुरमेह हरकौर ऑनलाइन ट्रोलिंग के जबरदस्त शिकार हुई। उसे धमकियां मिली, उसे चुप रहने को कहा गया लेकिन उसने बोलना जारी रखा। टाइम के मुताबिक गुरमेह कहती है कि उसे चुप क्यों रहना चाहिए। गुरमेह के मुताबिक, हालांकि मैंने ये सब नहीं चाहा था लेकिन मुझे हालात ने आगे कर दिया और मैं अब अपनी बात कह रही हूँ। गुरमेह हरकौर अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अपने अनुभवों को केंद्र रखकर एक किताब स्मॉल एक्ट ऑफ फ्रीडम लिखने जा रही है। ये किताब अगले साल रिलीज होगी। गुरमेह हरकौर से जुड़ा ये विवाद इतना बढ़ा कि उनकी मां को सफाई देने आना पड़ा। गुरमेह हरकौर की मां राजविंदर कौर ने कहा कि उनकी बेटी राष्ट्र विरोधी नहीं है और वे जो कर रही है उस पर उसे गर्व है। राजविंदर कौर ने कहा कि मेरी बेटी जो कर रही है उसके लिए हिम्मत चाहिए। जब उसे राष्ट्र विरोधी बताया जाता है तो दुख होता है। उन्होंने कहा कि मैंने उसे जन्म जरूर दिया लेकिन अब मैं उससे सीख रही हूँ।